एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेमेतवा के नवागढ़ ब्लॉक की बेबरा ग्राम पंचायत में 751 सीलिंग जमीन को भूमिहीन ग्रामीणों में बांटा जाना था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर मिलीभगत करके जमीन की बंदर बांट कर दी। इसको लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर, तहसीलदार सहित स्थानीय विधायक से करते हुए भूमि आवंटन निरस्त किए जाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि सीलिंग की जमीन का पट्टा वितरण करने से पहले उन्हें जानकारी दी जाना चाहिए थी। वहीं इस पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने बेमेतवा कलेक्टर को इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने के लिए कहा है। अब देखना यह होगा कि रुपये लेकर बंदरबांट करने वाले जो अधिकारी हैं, आखिर उन पर क्या एक्शन लिया जाता है। गाँव वाले बोलते हैं हमको जानकारी नहीं है, फार्म भरा है, और लोग बोलते हैं सबको जानकारी है, चालू भी बोलते हैं हमको जानकारी है, और सूची है वस्ती का जानकारी है, मतलब उसमें गांव वाले बोला था हम लोग कोई जानकारी नहीं है, फार्म भरा है तो हम लोग कोई ये है नहीं है, क्या सकती पत्र है जमीन बदना कहा थे ऐसे। राम बेवरा से कुछ ग्रामीण आए थे जिन्होंने सीलिंग भूमि संबंधित पट्टा वितरण के मामले को लेकर शिकायत की है, जिसको संज्ञान में लेते हुए मैंने जिला कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। दिलीप साहू ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बेमेतवा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन लिया गया? देखिए मैं बता दूं, ये जो पूरा मामला है जो बेमेतवा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवरा का है, जहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ पे जो सीलिंग जमीन है उसको जो है गुपचुप तरीके से द्वारा अधिकारियों के द्वारा बांटा जा रहा है, जिसकी उन्होंने शिकायत भी की है। और आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे जुड़ गए हैं। गुरुदयाल जी, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार। नमस्कार गुरुदयाल जी। गुरुदयाल जी, मामला आपके पूरे संज्ञान में पहले से ही है, आपने हालांकि कार्रवाई के लिए बोल दिया है, लेकिन किस तरह से पूरी बंदरबांट की जा रही है, शासन की मंशा पर, जिला प्रशासन की मंशा पर, राज्य सरकार की मंशा पर भी पलीता लगाया जा रहा है? ये जांच का विषय है, मैं इससे अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगा। ग्रामीणों ने शिकायत की थी, उसके आधार पर मैंने जिला कलेक्टर को जाँच के निर्देश दिए हैं, और अभी समस्त पट्टे को निरस्त करने के आदेश ऐसे हो जाएंगे। जी, ये तो बहुत अच्छा है कि आपने तुरंत मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई और जांच किए जाने के आदेश दे दिए कि उसके बाद जांच के उपरांत ये तमाम पट्टे निरस्त हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है गुरुदयाल जी, न जाने ऐसे कितने ऐसे गांव होंगे जहां पे इस तरह शासन के द्वारा जो भूमि जिन जरूरतमंदों को आवंटित की जानी है वो नहीं हो पा रही है, और सांठ गांठ करके इसी तरह से रसूखदारों को मिल जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो मामले हमारे संज्ञान में आएंगे उस पर जरूर हम कार्रवाई कराएंगे, अगर ऐसी जानकारी आएगी जरूर हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल गुरुदयाल जी, हम भी यही चाहते हैं कि एक ऐसी नजीर क्योंकि पेश करें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वाकई में बेहद ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और आपकी सरकार की भी संवेदनशीलता हमने हर वक्त पर देखी है, लेकिन अगर इस तरह से भ्रष्टाचार होगा तो बैठे बिठाए ही विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है। देखिए, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर जरूरतमंद परिवार को पट्टा मिले, तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जरूरतमंद लोगों को ही पट्टा मिल पाए। बिल्कुल, हम चाहेंगे गुरुदयाल जी कि एक बार आप स्वराज एक्सप्रेस पर उन तमाम दर्शकों को और खासतौर से बेमेतवा की उस जनता को ये आश्वासन दे दें कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल आश्वस्त कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, जो जरूरतमंद है वास्तव में जिन्हें आवश्यकता है उन्हें ये पट्टा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया गुरुदयाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना पक्ष रखने के लिए और जनता को ये आश्वासन देने के लिए कि जनता के सरोकार के लिए ही ये सरकार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आपने सुना कि यहाँ पे गुरुदयाल जी कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई की जाएगी और जो हितग्राही हैं उनको ही जो पट्टा है वो दिया जाएगा। देखिए मैं बता दूं कि ये लंबे समय से ये जो है सीलिंग जमीन का मामला चलते आ रहा है, और कई बार जो है वहाँ के ग्रामीणों ने भी कोर्ट के चक्कर काटे हैं, जिसके बाद से जो है वहाँ पे ये प्रकरण सामने आया है। ठीक है, वहीं आप दिलीप, क्योंकि विधायक साहब ने यहाँ पे आश्वासन दे दिया है, आप नजर बनाए रखिएगा और हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि स्वराज एक्सप्रेस का
जो कहते हैं कि लोगों को हक दिलाना और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके सरोकार के लिए ही आवाज उठाना ही पहली प्राथमिकता है। आप नजर बनाए रखिएगा, फॉलो अप आपसे लेते रहेंगे, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया जानकारी की आपका।